इंडसइंड बैंक के अंदर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, एक सपोर्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। हमारे टारगेट्स अचीव 640 तक हमारे टारगेट्स अचीव हो जाने के बाद एग्जिट कर लीजिए, उसके बाद रिवर्सल में ही बाई करिए कहने के लिए। और रिवर्सल जाता हुआ अगर आप लोग जिधर भी अटके हुए हैं, एवरेज स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए भी मैं सपोर्टेड वीडियोज दो अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो, जो मेरा तीसरा वीडियो है, वो मैंने बिग गेम जो गेम खेल रहा है निफ्टी बैंक, इंडसइंड बैंक और एसबीआई बैंक, जो भी निफ्टी बैंक के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं, पूरे जो इसे गेम खेल रहे हैं और रिवर्सल में रिकवरी कर रहे हैं। ऑलरेडी बंधन बैंक रिवर्सल में रिकवरी कर चुका और एसबीआई बैंक रिवर्सल में रिकवरी कर चुका। उसके बाद नेक्स्ट इंडसइंड बैंक ही है दोस्तों जो रिवर्सल में रिकवरी करता हुआ दिखेगा निफ्टी बैंक के अंदर। तो थोड़ा बहुत आप संभल के रहिए बैंक के अंदर। और आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्रेश एंट्री एंड फ्रेश एग्जिट लेवल क्या होने वाले हैं इंडसइंड बैंक के अंदर दोस्तों। लेवल्स ध्यान से सुनिए, स्ट्रैटेजी जी ध्यान से सुनिए। अगर आप पेपर पेपर और पेन लेके बैठना चाहते हो बैठ लीजिए, और स्ट्रैटेजी जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख भी लीजिए दोस्तों। स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए, खरीदने से पहले थोड़ा बहुत बैकअप कैपिटल भी लगा के चलिए इंडसइंड बैंक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ही अच्छा खासा प्रॉफिट और सुपर से ऊपर वाला ट्रेंड भी हमें इंडसइंड बैंक के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो पूरा स्ट्रैटेजी लेवल्स पूरे टेक्निकल यानी चार्ट पे बात करते हुए आपको बता दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोहम्मद सुहेल, आपके सामने स्टॉक पे बात कर रहा हूँ इंडस बैंक लिमिटेड। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों पहले हम लोग रिकवरी की बात करें, जो भी इसके अंदर अप ट्रेंड में रिकवरी यहाँ से लेके यहाँ तक देखने को मिली वही रिकवरी है, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ तक ही रिवर्सल ले चुका है, ठीक है। उसके बाद जो भी इसके अंदर रिकवरी देखने को मिली ये रिवर्सल में, यानी पहला ब्रेकआउट और दूसरा ब्रेकआउट, ये दो जगह इसने रिवर्सल में रिकवरी नहीं लिए। अगर ये रिवर्सल में रिकवरी ले रहा है, अगर 520 के लेवल भी जा रहा है, तो डरने की और परेशान होने की कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम ही है, अगर अप ट्रेंड में रिकवरी हो रहा है तो रिवर्सल में रिकवरी होना ही स्टॉक का काम है दोस्तों। तो ये रिवर्सल में भी रिकवरी होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप ऊपर लेवल पे किधर भी बाई कर रहे हैं, नीचे लेवल पे स्ट्रैटेजी काम मेंटेन करना है आपको अभी बता दूंगा, उसके बाद मेरे फ्रेश एंट्री एंड फ्रेश एग्जिट लेवल बताऊंगा इंडसइंड बैंक के अंदर, जो ऑलरेडी बताते हुए आ रहा हूँ, आज डिटेली में बताऊंगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमें इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप किधर भी बाई करके चल रहे हैं, आप 570, 570, 540, 510 ये लेवल तक, जो इसके अंदर अप ट्रेंड रिकवरी देखने को मिली यहाँ से ये लेवल तक, ये तीन लेवल पे आप एवरेज स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका फ्रेश बाइंग होगा दोस्तों इंडसइंड बैंक के अंदर, अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आज आके गया है पर इसके अंदर लेवल नहीं मिले, अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं इंडसइंड बैंक के अंदर, इसके अंदर मिड रेंज ऑफ कैंडल आप इसके अंदर 570 पे लेके चलिए। 570 के बाद रिवर्सल होता हुआ दिखा, 540 पे एवरेज करिए, 540 फाइनल एवरेज करिए, बस इससे ज्यादा इसके अंदर एवरेज मत करिए। ये दो लेवल है इंडसइंड बैंक के अंदर आफ्टर ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे, तो 570 पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद 540 ये वाला देखने को मिलेगा। अगर ये रिवर्सल में इस बार भी पूरा रिवर्सल में रिकवरी देखने को मिल रहा है और दे रहा भी है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये दो लेवल के पास बाय करिए और ये दो लेवल के पास ये एवरेज स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए। रिवर्सल जाता हुआ स्टॉक दिखाता हूं मैं, सपोर्ट वीडियो 100% अपलोड करता हूं, जब भी अपलोड करके इसके अंदर क्या करना चाहिए ये भी आपको बताता हूं दोस्तों। हर बार के जैसा इस बार भी डबल प्रॉफिट में आप सभी एग्जिट करने वाले हैं। तो एंट्री करिए इंडसइंड बैंक के अंदर 570 लेवल के पास। रिवर्सल जाता हुआ दिखा, बहुत ज्यादा ही रिवर्सल जाता हुआ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लेवल इसमें देखने को मिले हमें वो रिवर्सल में रिकवरी ले रहा है, बस इतना ही, इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक को लेके चलिए, स्टॉक के साथ बने रहिए और डबल प्रॉफिट की तैयारी करिए दोस्तों। तो इसके अंदर स्ट्रैटेजी मेंटेन करने के लिए 570 पे ले रहे हैं, तो 540 के लिए और 510 के लिए बैकअप कैपिटल निकाल के रख लीजिए। अगर यहाँ आप 100 क्वांटिटी ले रहे हैं तो यहाँ भी 100 क्वांटिटी आपको लेनी होगी, यहाँ भी 100 क्वांटिटी, यानी अगर आप इधर 50,000
57,000 आप ले रहे हैं तो इधर 54,000 लेके चलना होगा, इधर 51,000 लेके चलना होगा। तो ये बैकअप कैपिटल लगा के आप इधर एंट्री करके चलिए दोस्तों। अगर आप 510 तक भी स्टॉक चल गया, 540 के बिलो ही आपका ओवरऑल एवरेज बन जाएगा। जिधर आप 570 के पास लिए हैं, ये सुपर ट्रेंड में खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप डबल से ट्रिपल प्रॉफिट में अभी भी एग्जिट करने वाले हैं, एंट्री ले लीजिए। स्टॉक रिवर्सल जाता हुआ दिखा इंडसइंड बैंक लिमिटेड के अंदर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स एंड स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड कीप एंकरेजिंग मी दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। आज का दिन है 29 अक्टूबर 2020 थर्सडे। इंडसइंड बैंक का क्लोजिंग है 588.70 पैसा। ये जो मैं टारगेट निकाला हूँ, टारगेट 30 अक्टूबर 2020 फ्राइडे यानी कल के लिए निकाला हूँ। कल के दिन आपको मेरे लेवल्स पे बइंग अपॉर्चुनिटी एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी कल मार्केट में देखने को मिली तो आप इमीडिएट टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर आपकी एंट्री हो रही है मेरे लेवल्स पे तो आप देख लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कितना कम नुकसान हो रहा है, टारगेट्स हिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा।